वन चैनल। तो अभी का सीन है, हम आए थे वृंदावन और हम आए थे वृंदावन में स्कॉन टेम्पल और राधा रानी का मंदिर। तो इस व्लॉग में आप देखने वाले हो वृंदावन की बहुत खूबसूरत चीज़ें, जैसे कि यहाँ का सबसे खूबसूरत जो है स्कॉन टेम्पल है, बांके बिहारी मंदिर है, बहुत मंदिर है वैसे तो यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मंदिर तुम देखने वाले हो इस व्लॉग में, राधा रानी का मंदिर जो है थोड़ी हाइट में जाके, और ऊपर से तुम्हें पूरे वृंदावन का व्यू आएगा। अर्जुन का आउटफिट देख लो, यस अर्जुन लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो आगे देखते रहो हमारा व्लॉग। चलो करके दिखाओ, चलो सारे करो, मिकी करो, we'll be right back.
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। तो ये है जी हमारी कृष्णा नगरी, दर्शन कर लो वृंदावन कौन। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या करुणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। आयुल वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी आए हैं हम म्यूजियम में, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा म्यूजियम बना हुआ है कॉन टेम्पल में बैठा हुआ। कितनी प्यारी तरीके से बना रहे हैं देखो, और ये मैंने कुछ अलग चीज़ देखी है। जैसे आप देख रहे हो ये है अर्थ हमारी, और ये है हमारा इंडिया का मैप। तो ये जहाँ जहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ ये लगी हुई, देखो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है। तो ये लाइट जो है, जितने भी इस्कॉन टेम्पल बने हुए हैं, कहाँ कहाँ इस्कॉन टेम्पल बने हुए हैं, ये उधर के हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जहाँ जहाँ पे भी अर्थ पे, पूरी अर्थ पे जहाँ जहाँ कौन बने हुए हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे डॉट। बहुत और ये आपको बहुत सुंदर पिक्चर दिखाने वाला है। तो जी कौन आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना, गोविंद प्रसाद। तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें फ्रेश फ्रेश देसी घी, जो कि 1500-1900 रुपये किलो मिलेगा, उससे भी ज़्यादा टेस्टी तुम्हें मिलेगा। देसी घी गई ये पैक है पूरा, और ये पेड़ा, ये है प्योर एकदम देसी घी, टेस्ट करोगे एकदम ही अलग। अब हो रहा है अर्जुन के साथ खाना पीना। आज हमारा व्लॉगर थक गया है पूरा। तो ये आई है स्पेशल पूरिया, दोनों पैर से कूद के आना, ठीक है, फ्रॉक की तरह, ठीक है, और मेरे तक आना है, जो आएगा सबसे पहले वो जीता, वो लाइन पे खड़े हो जाओ। 1 2 3 गो। ये तो कैमरा बताएगा कौन जीता, ये तो हम देखेंगे व्लॉग में कि जीता कौन था, कौन जीता होगा, क्या लगता है, क्या बात है, जिसके ज्यादा हाथ खड़े होंगे मुझे लगा वो जीतेगा। लंबे किसके हाथ है, ओ भाई साहब, अर्जुन के दोनों, मिक्की के भी दोनों, लंबे किसके हाथ है, राधे राधे बोलो। वाह, अब सिंगल लेग है, 1 2 3 गो। पैर रख दिया, पैर रख दिया, पैर रख दिया, पैर रख दिया, गो। ये तो मिक्की जीता ही वाला, ये वाला तो मिक्की जीता, मैंने देखा कैमरे में। बाकी का फाइनल मैच अब दोनों लेग दोनों लेग थी यार, ये तो कैमरे ही बनाएगा कौन जीता, मैं नहीं बता सकता। राधा रानी के धाम जा रहे हैं, ठीक है, राम आपको दर्शन कराने, कहाँ पर है मंदिर, अटारी ऊपर है राधा रानी की। अच्छा, अब अर्जुन समझ आ गया कितनी ऊपर है,
तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी है फिर दोबारा से यहाँ पे जयपुर की तरह, फिर हम जा रहे हैं अपना बाइकों में। तो ये हमारी सवारी तैयार है, अब हम जाएंगे बाइक से सारे वो ऊपर की तरफ। क्या बात है, कितने टाइम बाद बैठे होगे? पहली बार बैठे हो, क्या बात है। बाइक पे मिलते हैं मंदिर के गेट के बाहर। तो सारे तैयार हो रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पकड़ रहे हैं, जाना किधर है। भाई सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, घाटा हो यार। गाड़ी से बाइकों में आ गया, मैं गरीब हूँ, पता नहीं कौन सी पसुड़ी हूँ, फंसा दी इसने। आराम से सो रहा था गाड़ी में और एकदम से उठ और एकदम से भाई ने भाई को बिठा दिया। भाई समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, लेकिन रोड दिखाओ भाई हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हम आए थे मंदिर वृंदावन, रात को घूमते फिरते हम आ गए, गले खराब है हमारे तब भी आ गए। अर्जुन पंचर हो गया पूरा। तो ये जगह है बरसाना भाई, बरसाना जगह का नाम है और मंदिर का नाम है राधा रानी का मंदिर। ये देखो ये रोड है इधर, जो रास्ता इतना खराब है उतना ही सुंदर मंदिर देख के मजा आ जाएगा तुम्हें। आगे चल के दिखाते हैं, अर्जुन चला गया है आगे और हम है दूसरी बाइक पे, और पीछे है हमारा एक और बेटा मिक्की। वेट होना, आराम से मेरी टांगे छिलना जाएगी। बोलो और ऐसी चल, सबको बाइक पे बिठा के ले जाते ऊपर। बारह महीने क्या बात कर रहे थे, ऐसे ही बचपन से लेके जो अभी तक मेरे को बाइक का शौक था वो सब उतर गया भाई यहाँ पे। हम सब तो ठीक है पर मम्मी कैसे गई होगी। हाँ जी कैसा लग रहा है, चले जाओ जो यहाँ है ना बरसाने में, इससे कोई बड़ा देवताओं में राधा रानी से ऊपर कोई नहीं है। जो यहाँ आ गए बरसाना तो समझो पूरे तीर्थ कर लिए सब जगह के। हाँ जी ये चढ़ाई शुरू हो गई है, चढ़ाई शुरू हो गई है, लास्ट जीना भी यही बेद में ही, आपको मरना भी बेद में ही। अच्छा हेलो करो, हेलो इतना ऊपर चढ़ के कैसा लगा, मजा आया सीधा गाड़ी से सीधा बाइक पे? हाँ भाई मिक्की कैसा मजा लगा सीधा गाड़ी से बाइक पे? तो देखो जी यहाँ की ग्रीनरी, तो वृंदावन में भी ऊपर चढ़ाई करके आना पड़ेगा, क्या बता रहे हो? व्लॉगिंग करते हो आप? तो भैया फिर आप है ना मेरे साथ पूरी परिक्रमा दीजिए, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अभी इधर का तो बताओ, इधर का राधा रानी का आपको पुजारी जी बताएंगे, और जितना हमने बताया ये है बात। और आगे को जो आपको पूछ रहे हो, आगे मोरकुटी है, दानगढ़ है, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने मोर बन के नाचे थे राधा रानी के साथ में, प्राचीन मंदिर है वो। अच्छा। मोरकुटी आगे दानगढ़ है, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी को बैंगल दान दिए थे, बैंगल दान दिए थे और उत्तरी बंसी दान की थी उन्होंने। अच्छा तो आप पूरी परिक्रमा करोगे तो यहाँ पे जैसे वृंदावन में निधि वन है, इस प्रकार से यहाँ पे निधि वन का क्या है, निधि वन में रास रचते थे, यहाँ पे रास रचते थे राधा रानी जी और कृष्ण जी मिले जी। और यहाँ पे क्या नाम है, सिंहासन भी निकला है प्राचीन, खुदाई करके एक महात्मा जी को सपना आया था कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का सिंहासन है, तो वो जगह भी आपको दिखाएंगे अगर आप परिक्रमा करोगे तो, वो सारी चीजें परिक्रमा में आती हैं। अच्छा ये तो केवल सिर्फ राधा रानी का महल। तो ये महल इतना ऊपर चढ़ाई में क्यों, ऐसा क्यों? प्रभु ये तो लीलाएं की थी ठाकुर जी ने और राधा रानी ने लीलाएं की थी, उनकी एक प्रेम कहानी थी जैसे चलो फिर ऊपर चल के देखते हैं। आओ यार फाइनली 2 किलोमीटर चल के हम यहाँ पहुँच गए हैं। आओ जी ये देखो व्यू देखो जी। तो हम आ गए इतनी हाइट में, ये देखो व्यू है यहाँ पे, कहाँ पे आ गए हो बच्चों? अर्जुन भी आ गया चढ़ के फाइनली। अर्जुन व्यू देख क्या दिख रहा
वेरी नाइस। देखो यार सामने वो एक पहाड़ दिख रहा है, माउंटेन है। और ये है जी मंदिर, ये मंदिर बहुत ही है। और यहाँ से खड़े होके ये व्यू है। नीचे से दिखो, ऐसे बोलो फ्रंट से बस ठीक है। अर्जुन कैसा लग रहा है? चश्मा उतार के तो देख, इसमें जहर नहीं होता। अर्जुन डोंट, आप बीच से निकला हुआ है। पर ये कोबरा नहीं है, कोबरा कोबरा ही है। कोबरा भाई रियल कोबरा है। देखो बेटा गऊ चरण कर। जहर कैसे निकालते हैं इसका? अच्छा ये जी एक और कोबरा आ गया। मैंने करना टच करना, मैंने टच करना। चलो इसको थोड़ा हाथ में रख के दिखाओ बच्चे को। नहीं अपने हाथ में इसको थोड़ी ना। मैंने करना टच क्या फील हो रहा है? फील देख क्या हो रहा है? स्किन देख कैसी जा रही है? अरे ये देख, ये देख अर्जुन, अरे हाथ लगा के देख स्किन देख, अरे हाथ लगा के देख स्किन देख। पीछे पीछे देख रहे हैं, देख फ्रंट में, देख फ्रंट में, देख शिवलिंग का निशान है आगे। तो ये है मंदिर जाने का रास्ता। गर्मी बहुत हो रही है। राधे 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 राधे, जाएंगे ऊपर। चलो क्या करेंगे? मत्था टेकेंगे। चलो अर्जुन साइड से चलो, अर्जुन साइड से चलो, गर्म लगेगा। हाँ आ गया। ये देखो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। और ये है तो किसी तरह हम वहां से यहाँ तक आ गए भाग के। है अर्जुन हमारा सहारा ये है, तो हम इस पे खड़े हो पा रहे हैं, वरना यहाँ तो बहुत गर्मी है। अब अर्जुन हमें वहां पे जाना है मम्मा के पास। ये देखो मंदिर देख लो कैसा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत मंदिर और बहुत ऊपर है। चले अर्जुन भाग के जाना, ठीक है? चल लेगा ना? 1 2 3 गो। हम ऊपर मंदिर में मत्था टेक के आ चुके हैं। तो अर्जुन से पूछते हैं उसे कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत भीड़ थी। हाँ भीड़ थी। अर्जुन अभी थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसका जुकाम है, उसे रनिंग नोज हो रहा है, कफ हो रहा है, मुझे भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तो हम फिर भी मैनेज करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारा सब जगह के दर्शन हमारे बहुत अच्छे रहे हैं ना अर्जुन, ठीक है? आपको ये व्लॉग कैसा लगा? वो स्पेशल गेस्ट वो सिया की बात कर रहा है। तो हम वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ, और दिल्ली जाते हुए हम रुकेंगे फरीदाबाद, और वहाँ पे हम मिलेंगे अर्जुन की स्पेशल फ्रेंड से, स्पेशल गेस्ट, उसका नाम है सिया, है ना? तो चलो तब तक के लिए कर दो बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वी होप कि तुम्हें मंदिर दर्शन करके, वृंदावन दर्शन करके, और ये राधा